सोनी चैनल पर रिसेंटली श्रीमद् रामायण नाम का एक नया शो ऑन एयर किया गया है, जिससे ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। इस शो में सुजोय रेव जहां श्री राम के कैरेक्टर में नजर आ रही है, तो वही प्राची बंसल को सीता के कैरेक्टर में देखने को मिल रहा है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुजोय रेव जो इस शो में राम के कैरेक्टर में नजर आ रही है, उस रोल के लिए उनसे पहले मेकर्स ने और भी कई एक्टर्स को पहले अप्रोच किया था श्रीमद् रामायण में राम बनने के लिए। हालांकि किसी रीजन के चलते बात नहीं बनी, जिसके बाद सुजोय रेव को इस शो के लिए फाइनल कर लिया गया। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन एक्टर्स के ऊपर जिसे पहले अप्रोच हुआ था श्रीमद् रामायण में राम के कैरेक्टर निभाने के लिए। सबसे पहला नाम है अहम शर्मा। वेल, अहम टेलीविजन की एक पॉपुलर एक्टर है, जिसे स्टार प्लस की पौराणिक शो महाभारत में अंगराज कर्ण के किरदार में देखने को मिला था, जिससे शो में कर्ण की रोल में ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। इसलिए मेकर्स ने उन्हें ऑफर दिया था श्रीमद् रामायण में राम के किरदार निभाने के लिए, मगर अपने पर्सनल रीजन के चलते उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया। दूसरा नाम है हर्ष चोपड़ा। वेल, ए रिश्ता क्या कहलाता है शो में लीड रोल निभाकर पॉपुलैरिटी बतौने वाली इस एक्टर को भी मौका दिया गया था श्रीमद् रामायण में राम बनने का। हालांकि हर्षित ने इसलिए शो को मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी माइथोलॉजिकल शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तीसरा नाम है रजत तोकस। जोधा अकबर फैन एक्टर रजत तोकस भी इस लिस्ट में शामिल है, जिससे अप्रोच हुआ था राम के किरदार निभाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने लुक टेस्ट भी दिया था। हालांकि किसी रीजन के चलते वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। चौथा नाम है सौरभ राजजैन। स्टार प्लस की महाभारत में श्री कृष्ण की रोल निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली इस एक्टर को आज ज्यादातर लोग कृष्ण के रूप में ही पहचानते हैं। वेल, इस एक्टर को भी मेकर्स ने ऑफर दिया था राम बनने का, हालांकि कुछ रीजन के चलते वो शो का हिस्सा होते होते रह गए। वेल, इस लिस्ट में आशीष शर्मा का नाम भी शामिल है, जिसे अप्रोच हुआ था श्रीमद् रामायण में श्री राम की किरदार निभाने के लिए। हालांकि अपनी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के चलते उन्होंने ये शो करने से इनकार कर दिया। तो यह वो पांच नाम जिसे ऑफर दिया गया था सोनी चैनल के श्रीमद् रामायण में राम बनने के लिए। वेल, आपको क्या लगता है, सुजोय रेव राम की कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है या उनकी जगह इनमें से किसी और एक्टर को होना चाहिए था? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही।